लॉकडाउन के मद्देनजर पड़ने वाले ईद के त्यौहार को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने शहर के कई क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं राजघाट पुलिस ने घंटाघर और पांडे हाता के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल करके लोगों से मास्क लगाने और अनावश्यक घर से न निकलने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस मौके पर राजघाट थाना प्रभारी राजेश पांडे, घंटाघर चौकी प्रभारी सूर्यकांत पंडित, चौकी प्रभारी राम सिंह और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना जैसी महामारी से बचें और अपने अपने घरों में रहें। अनावश्यक सड़क पे ना घूमें, जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करिए। आपको अनावश्यक घूमते हुए कोई पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस का पालन करने हैं तो प्रतिदिन कोतवाली सर्किल में प्रत्येक थाने द्वारा रूट मार्च किया जाता है। सर, लोगों को कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं? हाँ, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें, ये सब अनाउंस किया जाता है। यही अपील है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतें और जो भी गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं सरकार द्वारा उसका पालन करें।